जनाब ये मेरे पास आ गया संदल का शरबत। हम इस ये इस बेड को पिलाने लगे हैं, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आप पानी भर चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आज है जी ईद का, ईद से एक दिन पहले मतलब चांद रात है आज, और सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं। और मैं बाहर आया था ये अपने जानवर को देखने, माशाल्लाह इसने खाया पिया है। और मैं दिखाऊँ आपको, शहरी भाई ने इसको जो है वो शहरी भाई ने इसके वो चारा वारा बना दिया था, और मैं इसके लिए वो पानी छानी ले आया हूँ। तो जी खड़ा है अपना जवान, और आज जी माशाल्लाह मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, सुबह सुबह बादल की आवाज़ें आ रही हैं, इंशाल्लाह बारिश होगी आज। आप देख सकते हैं बादल, ओए होए 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 होए, दो दिन से शदीद गर्मी पड़ी थी दो दिन से। और ये हमारे सामने जो है वो हमारे सामने कज़न मेरे साथ गए थे, वो भी माशाल्लाह अपना जानवर जो है वो ला चुके हैं। तो ये जनाब हमारे रहील भाई लेके आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुबारक हो रहील भाई आपको। तो कहाँ मंडी से रहे हैं आप? बिल्कुल मंडी से। तो क्या हालात चल रहे हैं मंडी के? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त, सारे पागल हुए हैं। अच्छा, वो समझ रहे हैं कि बस इसके बाद दिन नहीं आना कोई। क्या वजह है, बीमारी है क्या है? आप तो अभी हो गए, बीमारी को तो छुपा रहे हैं ना, वैक्सीनेशन करवाते हैं, दाने जो से हैं वो बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और जो घर लेके जाता है दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको वो दोबारा आ जाते हैं दांत। वो मसले चल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बड़ा, उनको कितने का मिला ये? ये 1,28,000। 1,28,000 का माशाल्लाह लेके आए हैं। तो बहुत ही प्यारा जानवर है, आप देख सकते हैं भरा हुआ है। तो टाइम से ले आए हैं सुबह, जिस तरह वो कह रहे हैं कि बीमारी फैल रही है, और छोटा जानवर जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उस लिहाज से जो है कल ईद है, आज चांद रात है, तो माशाल्लाह ये आज जानवर ले आए हैं। कल मैं लाया था, आज ये ले आए हैं। और मेरी तरफ से सब परदेसी भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हाँ जी, आज के परदेशियों की ईद है, तो उनकी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब मौसम चेक करें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओहो हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब बारिश शुरू हो चुकी है, ओए होए होए, कितना ठंडा मौसम हो गया। आप बारिश शुरू हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह, और बेड़ा हमारा नहार है, हाय 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 हाय, मस्त हो गए बैठा हुआ इधर, मस्त हो गए, ओए होए होए होए। हैरान था भाई, मैं हैरान था, हमारे यूट्यूबर्स जो है इनका वो जानवर तो आ चुका है वो सामने, लेकिन हमारे यूट्यूबर नहीं आए बाहर। खैर लड्डू की हाल है? आओ बच्चे ले आते ने, ए बच्चे बच्चे ने। क्या हाल चाल है साथ साहब? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का जनाब। आप सुनाए, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप भी ले आए हैं। खैर हमारे जनाब, आप लोग का आपका वेड़ा आया, आपने व्लॉग नहीं बनाया? नहीं नहीं, अभी बनाते हैं बस, थोड़ा सा हम वेड़े को रिलैक्स होने दे रहे थे। सब मार रहा है अभी आके मार रहा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आपने 7-8 ब्रांड कटे पहन लिए, मैकडोनल्ड। बस आप प्रमोशन ना करें फ्री की। अच्छा, मैं नहीं प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं फ्री के बर्गर खिला देने हैं। मैं और सजाद, क्या हाल है? ठीक है। इस टाइम आए हैं हसन दीन पे नाश्ता करने, हमेशा की तरह। मैं आपको पता है हमेशा यहाँ पे आता हूँ, और बारिश हुई भी आप देख सकते हैं, लाइनें लगी हुई हैं, फुल टाइम रश हुआ है यहाँ पे। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कोई जगह जगह मिलती है तो उधर जाके बैठते हैं, अगर रश ना हुआ तो। बाकी आप देख सकते हैं, ओहो हो, गर्मा गर्म नाश्ते लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गोल टेबल लगा हुआ है, गोल टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है इधर। तो ये सारे भाई इधर इस तरह भी बैठे हुए हैं, इधर भी और इधर भी, पीछे भी, हर जगह पे, इधर भी रश लगा हुआ है। वो अंदर सामने फैमिली हॉल है, वो ऊपर लिखा हुआ भी है। तो एक नाश्ता हमने मंगवाया है, सजाद साहब कह रहे हैं मैं घर से खा के आया हूँ, मैंने एक नवाला भी नहीं देना। नहीं नहीं बिल्कुल। आप हलवा पूरी साथ गर्मा गर्म चने, आय हाय आय हाय, ये हलवा चने, मज़ेदार
बहुत टेस्टी हसन दीन की हलवा पूरी हमेशा की तरह मज़ेदार। घर आ गया था, बारिश रुक गई थी तो जोर की नमाज वगैरह पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक चुकी है, लेकिन यह है कि ठंडी हवा चल रही है, गर्मी नहीं है। तो अब मेरे साथ मौजूद है फिजान भाई। फिजान भाई इधर देखो जी भाई। तो हम जी अपने बछड़े को संदल का जो है वो शरबत बनाने लगे हैं, संदल का जूस पिलाते हैं। और ये एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी इसकी आप चेक कर लें, ये है 2024 में जाके एक्सपायर होना है ना। लोग समझे एक्सपायर चीज़ पिला रहे हैं, भाई तुझे क्या हो गया है। तो इसको पिलाते हैं और देखते हैं। तो जनाब ये मेरे पास आ गया संदल का शरबत, आप देख सकते हैं अभी हम इस ये इस बैड को पिलाने लगे हैं, देखते हैं इसके बाद कि क्या होता है। अब पानी हम चेंज करते हैं, इसको पानी मिक्स करते हैं, ऐसे करके इस पानी को हम पौधों में फेंक देते हैं, ऐसे करके ऐसे। तो ऐसे इस पाइप को हम यहाँ से ले लेते हैं, सही बना रहे हो जनाब। फुर पानी भर है इसके अंदर, करीब आके दिखा दें जनाब। पानी भर चुका है, अब इसके अंदर हम ये डालते हैं संदल। ओहो दिखाए जरा, बहुत है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, और डालें। आधी तकरीबन आधी से ज़्यादा हमने इसके अंदर डाल दिया शरबत संदल का, अब इसको हम मिक्स करते हैं। आए जी मिक्स कर ले, करें कोई चीज़ नहीं है, पाइप से मिक्स कर लो। नहीं हाथ से कहें तो सही होगा। फिलहाल भाई आप तैयार हैं? जी जी भाई तैयार, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा जानवर पीने लगा मिंट मार्गरीटा। इनको हम पिलाते हैं मिंट मार्गरीटा। मुझे ये डर है कि ये फेंकना दे, बाकी क्या है। अभी देखते हैं जनाब। पीले भाई पीले जनाब, जनाब ये पीने लगा पीने। ओ यार पीले भाई, मुंह करीब लेके जाता है लेकिन वो पीता नहीं है। ये लेके आए हैं अपने हाथों से पेश कर रहे हैं जूस, लेकिन जनाब का कोई इरादा नहीं है। पी ले यार, तेरी मेहरबानी है, पी ले। आधी बोतल मैंने संदल की ज़ाया कर दी, आधी बोतल डाल दी है, देखें ओए हो आधी बोतल, वो पी ही नहीं रहा। हमने खोला है अभी अपना जानवर, तो हमने कहा चक्कर शक्कर लगवा के आते हैं, उसके बाद वो पिएगा जूस। फिजान भाई लेके जा रहे हैं, ये मेरी तरफ पता नहीं क्यों बार बार आ रही है, जाओ मजाने दो बाहर। चल फिश ये जा ही नहीं रहा बाहर, चला ही गया। तो अभी चक्कर लगवा के लाया वापस अंदर, लेके जा रहे हैं इसको, लेके जाओ तेरा जूस के पास हैं, पिलाऊंगा इसको। ओ इधर आ भाई, कहाँ जा रहे है? ये तो जनाब जूस तो इसने पिया नहीं है, अब इसका ये खाना है जो तो खाना भी नहीं खा रहा, ये रशियन सैलड सा बना हुआ है, दिखा दें आप ज़रा। तो इसको अब ज़रा हम ना इसको फेंक के ना इसके लिए फ्रेश बनाते हैं, तो चले शुरू करते हैं। तो पहले जो मैंने इसका बनाया था ना चारा, वो मैंने बनाया था पट्ठे जो ग्रीन कलर के होते हैं, तूड़ी और चोकर मिक्स, तो वो इसने कल खाया था अच्छी तरह, लेकिन आज नहीं खा रहा। तो आज मैं इसका चारा जो बना रहा हूँ आप देख सकते हैं जनाब, सिर्फ तूड़ी डालूंगा इसके अंदर। पहले ये आ गई हमारे पास तूड़ी, ये तूड़ी आ गई, तो थोड़ा बना रहा हूँ कि पता नहीं अभी खाता है कि नहीं। ये आ गई तूड़ी, ये हमारे पास आ गया जनाब चोकर। चोकर चोकर ये बहुत शौक से खाता है जानवर, इसके अंदर हम चोकर मिक्स करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालता हूँ, उसको पानी का छिड़काव देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये आ गया हमने पानी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, अब इसको करते हैं मिक्स। ठीक है ठीक। चूंकि चोकर ये शौक से खाता है चो 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 चोकर, तो चोकर हम थोड़ा सा और डालते हैं। ए
इसके ऊपर थोड़ी सी हम कर देंगे गार्निश। अब इसके आगे इसको डाल के आते हैं। अभी जी इसने खाना शुरू कर दिया जनाब। अभी मैंने फ्रेश इसके लिए बनाया था, खाना शुरू कर दिया बड़े शौक से। और वो उसका वो जूस वैसे का वैसे इसका पड़ा था सामने, वो खाना खा रही है जी। तो जनाब ये थी जी आज की वीडियो। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने कजन्स के साथ, ये समीर भाई हैं और ये उमेर भाई हैं, इन्होंने अपना जानवर लेना है। तो अभी इनके साथ मैं जा रहा हूँ जानवर लेने। तो ये थी जी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जो सुबह मैं बना के गया था इसके लिए जूस संदल का शरबत, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है, इसने पिया ही नहीं। थोड़ा सा पिया लग रहा है लेकिन ख़राब हो ऐसे ना, इसमें कीड़े वगैरह, तो मैं इसको फेंक के ना तो सादा फ्रेश पानी देता हूँ अभी।